students, programming in quiz basic, ठीक है? तो chapter है हमारा conditional statement. अब इसमें क्या होगा वो हम पढ़ेंगे कि conditional statement are used to execute a particular statement depending upon a condition. They are required when there is a need to take a decision in a program. They also help to control the flow of the program. तो ये क्या करती हैं? ये आपके प्रोग्राम की जो चल रहा होता है उसको कंट्रोल करती है. Let's learn about them. तो the if and then statement. तो ये हमारे पास क्या होती है? एक होती है if statement और एक होती है then statement. ठीक है? इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि the if and then command are used to compare an expression and then perform some task based on the expression. Okay? तो अगर हमारे पास x is equal to है 5k, if x is equal to 5, then print equal किसके है 5. एक्सप्रेशन जो साइन रहेंगे वो क्या रहेंगे? ठीक है, तो इसमें आपको क्या रहेगा? इफ एंड देन स्टेटमेंट है ना.
वो उसका लेस है, वो उसका ग्रेटर देन है, तो आपको इस तरीके से जो है स्टेटमेंट्स करके, अगर हम आउटपुट की बात करेंगे तो यू कैन ऑल्सो कंबाइन द साइन लाइक दिस। ठीक है, तो कैसे रहेगा हमारा आउटपुट, कैसे रहेगा कि अगर एक्स लेस देन और इक्वल 5k तो एक्स इज लेस देन और इक्वल। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, लेस देन भी रहेगा और इक्वल भी रहेगा। लेस भी है और ग्रेटर भी है, डज नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स जो है आपको याद रखनी है, लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है, तो आउटपुट क्या रहेगा, अगर ग्रेटर है तो क्या रहेगा, लेस है तो क्या रहेगा। ठीक है, रन द फॉलोइंग एग्जांपल। CLS x इज इक्वल टू 5, तो इफ x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5, सेम इक्वल और ग्रेटर देन, तो आउटपुट क्या रहेगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ELSE। यूजिंग द ELSE कमांड यू कैन हैव द प्रोग्राम परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शन इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है, x इज इक्वल टू 3, इफ x इज इक्वल टू 5 देन प्रिंट येस, एल्स प्रिंट नो। ओके, क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सिंस x डज नॉट इक्वल 5 आउटपुट नो, एंड इफ अलाउ यू टू हैव मल्टीपल कमांड आफ्टर द इफ देन स्टेटमेंट, बट दे मस्ट स्टार्ट ऑन द लाइन आफ्टर द इफ स्टेटमेंट, एंड इफ शुड अपीयर राइट आफ्टर द लिस्ट ऑफ कमांड। अगर हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 देन प्रिंट क्या आएगा, a, द फॉलोइंग प्रोग्राम यूज एल्स विद द एंड इफ कमांड, आउटपुट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 16, इफ x इज इक्वल टू 5 देन इनपुट a, प्रिंट एल्स। ठीक है, आउटपुट 32, देयर इज अ वे टू हैव मल्टीपल कमांड आफ्टर इफ देन विदाउट यूजिंग एंड इफ, इट डू सो प्लीज अ कॉलन बिटवीन ईच कमांड्स। ये जो है आपको कॉलम्स में डालना जरूरी है, अदरवाइज वो कमांड नहीं लेगा, आउटपुट आपको नहीं प्रेजेंट करेगा। द एल्स इफ कमांड अलाउ टू परफॉर्म अ सेकेंडरी एक्शन इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन वॉज फॉल्स। अगर आपके पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है, तो क्या कंडीशन लगेगी,
x is equal to 6, if x is equal to 5, then print statement first is true. ठीक है, अगर एल्स इफ में x is equal to 6 है तो प्रिंट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट ये आपको शो करेगा, आउटपुट 2 इज ट्रू. यू कैन हैव मल्टीपल एल्स इफ कमांड अलाउ अलोंग विद एल्स. ठीक है, तो क्या होगा, x is equal to 8, इफ x is equal to 5, देन प्रिंट स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू. एल्स इफ x is equal to 6, then print statement 2 is true. As if x is equal to 7, then print statement 3 is true. ठीक है, आउटपुट नो अबाउट स्टेटमेंट आर ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है. अब हम बात करेंगे मल्टीपल एक्सप्रेशन की. यू कैन हैव मोर देन वन एक्सप्रेशन इफ देन बाय यूजिंग एदर द ओर ऑपरेटर और द एंड ऑपरेटर. ठीक है, और ऑपरेटर ओनली रिक्वायर वन एक्सप्रेशन टू बी ट्रू. आपको जो और है, और ये आपने एक्सेल में भी पढ़ा होगा, जो आपका और कमांड है, जो ऑपरेटर है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू लेता है. ठीक है, कैसे, x इज इक्वल टू 20, इफ x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 20, तो देन प्रिंट यस. तो आपको इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रखनी है. ठीक है, String in if then. So far in this chapter we will only be dealing with number, but you can also use string with if then command. आपको याद रखना है कि कौन सी statement आपको columns में रखनी है, कौन सी bracket में रखनी है. ठीक है, label and the go to and go sub command. The go to and go sub command enable you to jump to certain position in your program. कैसे, label are used to specify what point in the program to continue execute. तो go to क्या करेगा, to use go to place a label somewhere in your program and there enter. यानी कि go to के बाद आपको label देना होगा. Run the following example. Print 1, go to the label. Print 2, the label. Print 3. ठीक है, the label can be placed on the same line as print 3, the label print 3. Go sub command is the same as go to, except when the encounter is return statement, the program return back to the go sub command. In other words, return continue program execution immediately after the previous go sub statement. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक नोट है कि द एंड कमांड एग्जिट द प्रोग्राम. एंड कमांड किस लिए हो गई, प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए. लाइन नंबर, लाइन नंबर कैन बी यूज एज लेबल. प्रिंट 1, गो टू 10, प्रिंट 2. यू कैन ऑल्सो राइट द प्रोग्राम लाइक दिस. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, इनको एक बार अच्छे से देखो. जैसे क्लियर करना है और स्टार्ट करना है, तो प्रिंट क्या करें, गैस अ नंबर बिटवीन 1 and 10. इनपुट नंबर, इफ नंबर ग्रेटर देन 1 और नंबर लेस देन 10, देन प्रिंट दैट इज नॉट बिटवीन 1 and 10. ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, गैस अ नंबर बिटवीन 1 and 10. टिप है, नोटिस द सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट अंडर प्रिंट, ट्राई अगेन. It adds a blank line under try again when the program is executed. So statement को अच्छे तरीके से लिखना है, columns का ध्यान रखना है, then brackets का ध्यान रखना है, कौन सा expression sign क्या लगाने हैं वो सारे ध्यान से लगाने हैं, otherwise आपको output नहीं मिलेगा. ठीक है, अब लूप क्या होता है, लूप का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूसली, यानी कि एक स्टेप को बार बार रिपीट करना, वो होता है लूप. व्हाइल मेकिंग अ प्रोग्राम इन एमएस क्विज बेसिक, सम टाइम अ सिचुएशन अराइज व्हेन यू वांट टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कमांड. जब हम काम कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, क्विज बेसिक में, तो हमें क्या है, कई बार क्या होता है, किसी स्टेटमेंट का बार बार हमें जरूरत पड़ती है रिपीट करने के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, लूपिंग का ऑप्शन होता है. लूप से हम क्या कर सकते हैं, उसे
स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, देयरफॉर दिस कैन बी डन विद द यूज ऑफ लूप। तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वो लूपिंग के थ्रू हम अपने कमांड्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। लूप मेक इजी टू डू एन एक्शन मल्टीपल टाइम। अब मल्टीपल टाइम के लिए हमारे पास देयर आर लिस्ट फॉर टाइप्स ऑफ लूप। लूप लगाने के लिए हमारे पास लिस्ट हैं, कौन सी फोर नेक्स्ट फोर एक्स इज इक्वल टू 1 to 5 प्रिंट एक्स एंड नेक्स्ट एक्स
स्टॉपिंग लूप, लूप को स्टॉप करना है तो हम सिंपल एग्जिट कमांड का यूज करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। द इफ एंड देन कमांड आर यूज टू कंपेयर एन एक्सप्रेशन एंड देन परफॉर्म सम टास्क बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड इफ अलाउ यू टू हैव मल्टीपल कमांड आफ्टर द इफ देन स्टेटमेंट एंड इफ शुड अपीयर राइट आफ्टर द लिस्ट ऑफ कमांड। यू कैन हैव मल्टीपल एल्स इफ कमांड अलॉन्ग विद एल्स। और ऑपरेटर ओनली रिक्वायर वन एक्सप्रेशन टू बी ट्रू इन ऑर्डर टू प्रिंट यस। ओआर जो ऑपरेटर है उसको सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन की जरूरत होती है, वो ट्रू होना चाहिए। गो टू एंड गॉसअप कमांड अनेबल यू टू जंप टू सर्टेन पोजिशन इन योर प्रोग्राम। लेबल आर यूज टू स्पेसिफाई वॉट पॉइंट इन द प्रोग्राम टू कंटिन्यू एग्जीक्यूट। ठीक है, टू स्टॉप अ लूप परमानेंट, सॉरी टू स्टॉप अ लूप यूज द एग्जिट कमांड फॉलो बाय एदर फॉर और डू। इफ गो टू वैन डू लूप फॉर नेक्स्ट, ये आपके क्या है लूप लगाने के लिए कमांड्स हैं। फोर टाइप्स ऑफ लूपिंग कमांड। कंडीशनल स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, उनको रन कैसे कराना है, उनका आउटपुट क्या होगा, किस वर्ड को कॉलम्स में लगाना है या ब्रैकेट में किसी नंबर को लिखना है, तो वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, उतार लिया। स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, चलो चैप्टर को अच्छे से रीड किया करो, अदरवाइज क्वेश्चंस फिर आंसर करने में दिक्कत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स।